देखिए कितना बढ़िया, कितना बढ़िया पॉपकॉर्न बनाया। ओ माय गॉड, दिखा दिखा दिखा, ये देखिए, बस अवन में डालो, पॉपकॉर्न रेडी। ये लेके आना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति राजवंशी ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब, उम्मीद करते हो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। एक और न्यू ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में एंड तक। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम वीडियो का शुरुआत नाश्ते के साथ कर रहे हैं और नाश्ते में आज हमने बनाया है अंडा सैंडविच और साथ में है निर्मल का दूध और मेरा कॉफ़ी। मेरा कॉफ़ी, तुम्हारा दूध? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा कॉफ़ी है। तो चलिए अब खा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी अभी मैं बाज़ार करके आई हूँ, जो डेली होता है मेरा, ये डेली का है ही, बाज़ार करना ही होता है मुझे। तो बस यही है आज का बाज़ार। केला लाई हूँ, चीनी लाई हूँ, एक रियल जूस लाई हूँ, बाकी एक चिप्स का पैकेट भी लाई हूँ लड़के के लिए, और बस पूजा का फूल है, ये देखिए पूजा का फूल है। तो चलिए अब साफ सफाई कर लेते हैं, सुबह का नाश्ता पानी तो हो ही चुका है। तो सबसे पहले पेड़ पौधे में पानी डाल देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे धूप उठने लगा है, धूप उठ जाएगा फिर पानी डाल नहीं पाएंगे, मिट्टी गर्म होने लगती है और फिर पेड़ मरने का डर रहता है। वैसे भी पेड़ पौधे मुझे बहुत पसंद है, जितने भी पेड़ पौधे हैं मेरे बालकनी में सब मैंने लगाए हैं। मेरे बस चले तो हर रोज़ पेड़ पौधे ला के लगाऊँ, भर दूँ पूरे घर में, बहुत पसंद है पेड़ पौधे। तो आप लोग भी लगाइए, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, आखिर पेड़ पौधे के वजह से आज हम जिंदा भी हैं। अगर पेड़ पौधे ना होते तो हम सांस ही ना ले पाते। तो चलिए ज़्यादा बोर ना करते हुए अब पानी डाल के फिर दूसरा काम करने चलेंगे। तो सबसे पहले हम अभी डस्टिंग कर लेते हैं, डस्टिंग करने के बाद फिर देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरा डस्टिंग साफ सफाई हो गई है, अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने, और बहुत लेट भी हो गया, लड़का आने वाला है स्कूल से, उसको आते ही भूख लग जाती है। तो सबसे पहले मैंने अपना चावल बिठा दिया है। तो अब हम जब बनाने जा रहे हैं सब्जी, उससे पहले हम तेल डाल देते हैं और तेल को थोड़ा सा तपने देंगे, फिर हम डालेंगे इसमें जीरा। थोड़ा सा सरसों डाल दिए, थोड़ा सा जीरा, तो हमारा जीरा तप चुका है। और हम पहले चला लेते हैं चिमनी। तो अब सबसे पहले हम देंगे प्याज इसमें, और साथ में हम मिर्ची डाल देंगे, हरी मिर्ची। तो प्याज हमारा भुन चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे फूल गोभी और आलू। मैंने आधा ही प्याज भुना, क्योंकि गोभी के साथ फिर आधा भुन जाएगा, अगर हम पूरा भून के इसमें करेंगे तो फिर गोभी में काले काले हो जाएंगे। तो प्याज को हम आधा ही भुनेंगे और अब हम डाल देंगे गोभी आलू। तो देखिए प्याज हमारे भुन गए, अब हम इसमें नमक और हल्दी डाल देंगे। सबसे पहले ये नमक, ये हल्दी, बाकी मसाला,
बाद में डालेंगे, अभी फिलहाल चला के रख देंगे गोभी को, थोड़ा पक जाएगा फिर बाकी मसाले डालेंगे। अब हम गोभी को ढक देंगे और गैस को धीमी कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे गोभी बन पक चुका है, थोड़ा सा और पकेगा तो अब हम इस पर मसाला डाल देते हैं। तो मैंने लिया है देखिए धनिया और मिर्ची और थोड़ी सी मैगी मसाला और काली मिर्च, मेरे पास था तो मैंने डाल दिया, आपके पास ना हो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, सिर्फ नमक मिर्ची से भी आप बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर, बस दो चार मिनट और पकाएंगे उसके बाद हो जाएगा। तो चलिए अब मसाला डाले हैं तो दो मिनट और ढक देते हैं। अब मेरी गोभी बन चुकी है, ऐसे थोड़े खड़े खड़े अच्छे लगते हैं, बिल्कुल गले हुए गोभी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो आपको दिखा देती हूँ एक, देखिए अब लास्ट में धनिया डाल देती हूँ, ये धनिया मिला है आज फ्री, वैसे कुछ दिन पहले धनिया एकदम आसमान छू रही थी, 200 रुपये किलो, धनिया के पास में भी जाने में डर लगता था, लेकिन फाइनली ठंडी आ चुकी है अब धनिया फ्री मिल रहा है। एक्चुअली मैं फ्री का चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगता है, हम कमाने में विश्वास रखते हैं, अगर होगा तो लेंगे नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फ्री की चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो अब हम गैस कर देते हैं बंद और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो फाइनली फ्रेंड्स मेरा खाना बन चुका है, सब्जी चावल के साथ मैंने दाल भी बनाया था, मसूर की दाल, आप लोगों को दिखाया नहीं था, और लड़के को भी खाना खिला दिया है, वो सोने चला गया है, और थोड़ा सा बर्तन पड़े थे ये भी मैंने धो लिए हैं, और अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के पूजा करूँगी उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी। तो चलिए, तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ आप लोगों से बात करने, अभी बज रहे शाम के 7 और दोपहर को मैं खाना वाना खा के थोड़ा सा आराम करने चली गई थी, और अभी बनाऊंगी बच्चों के लिए दूध, निर्मल दूध मांग रहा है, उसको भूख लग रही है। अरे देखो चुक्कू आया है उमा, कितना दिनों के बाद, एक महीने के बाद, एक महीने से भी ज्यादा, पिछले 25 तारीख को गया था और आज कितना तारीख हुआ, चुक्कू हाय कर दो, चुक्कू हाय कर दो, को बना पापा हाय कर दो, हाय कर दो, ओले बाबा काला होके आया गांव से, तो चलिए जाके काला नहीं होगा तो दूध बाल के बच्चे के लिए दूध बना देते हैं, और फिर कुछ खाएगा, क्या खाएगा, पैसा मांगा दिया, हाँ पैसा ही होता है बस खाने के लिए। तो देखिए आज हम पॉपकॉर्न बना रहे, वो भी माइक्रोवेव में बनाएंगे, कितना अच्छा से बन जाता, कल रात को मैंने एक बनाया था, पापा बोल रहे कि भूख लग रही है मेरे को, हाँ ऐसे ऐसे नीचे रख और 2 मिनट के लिए लगा दे, हाँ छोड़ दे, 2 मिनट में मिलते हैं, 2 मिनट में पॉपकॉर्न बन के रेडी। हाँ बस 2 मिनट में बन जाएगा, तो वेट करते हैं 2 मिनट, तब तक मैं दूध चढ़ा देती हूँ, दूध बनाऊंगी, मैं प्लेट में डाल रही हूँ, हमारा पॉपकॉर्न हो गया, हो गया। तो फ्रेंड्स गोबो खोल खोल, देखिए कितना बढ़िया, कितना बढ़िया पॉपकॉर्न बनाया, ओ माय गॉड, दिखा दिखा दिखा, ये देखिए बस अवन में डालो पॉपकॉर्न रेडी, ये लेके आना चाहिए, बंद क्यों हो गया ऑटोमेटिक, बंद मैंने किया था क्योंकि चटर चटर करना बंद हो गया था, मैंने फिर बंद कर दिया था, कितना बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वो कैम वो कुछ नहीं करते नहीं करते नहीं करते, मत करो पॉपकॉर्न नहीं खाना है, तो ये देखिए बना नहीं,
अभी और फूटता सा है, दो तीन रह जाते, कल भी मैंने मैंने बनाया था तो कल भी ऐसा रह गया था। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा बन गया। ये गिरा ना दे, ये देख बिस्कुट सारा गिरा दिया। पापा तुम भी दूध पियोगे? हाँ दूध नहीं पियोगे? दूध पियोगे तो लशा नहीं मत पियो। अभी हम जा रहे हैं आयुष को देने, इसकी मम्मी, इसकी मम्मी के पास जाएगा, ये बोल रहा है मम्मी मम्मी, तो इसको दे आते हैं। और ये बहन जी को जाना है दुकान, साका पोला लेने हैं, साका पोला, तो उस दुकान में चलेंगे। चलिए ये वाली मोटी वाली लोगे पतली वाली, तो हम आ गए दुकान में साका पोला लेने के लिए। और ये भैया है, यहीं से हम लोग सामान लेते हैं, गोल्ड का, चांदी का। तो फाइनली हमको ये वाला, ये दोनों पसंद आया और पोला में ये पसंद आया। अगर आप लोगों को कोई चीज़ बनवाना हो तो ये यहाँ पे दुकान है, यहाँ बहुत अच्छा हॉलमार्क वाला सोना देता है। ठीक है तो चलते हैं अभी दादेश में। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं घर, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना खूब ख्याल रखना, खुश रहना, मेरे चैनल को मेरे वीडियो को खूब सारा प्यार देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।